पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने 1962 में चीनी आक्रमण पर एक विवादित बयान दिया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने चीनी आक्रमण पर दिए मणिशंकर के बयान से किनारा कर दिया है। आपको बता दें, कल मणिशंकर अय्यर ने बयान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था और कहा था कि चीन के कथित हमले, 1962 में चीन के हमले को उन्होंने चीन के कथित हमले बताया और इस पर काफी हंगामा हुआ। तो एक बार सुनते हैं मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया था। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. तो मणिशंकर अय्यर का ये जो बयान है इससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया और इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। कुछ ही दिन पहले एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के माध्यम से इस तरह के शिगुफे छोड़ती रहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने जो बात हमारे खास इंटरव्यू में कही। इस बार मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं, जो आपको हर चुनाव में कुछ ना कुछ एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कुल मिला के अब तक कांग्रेस 100 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर चुकी है, लेकिन इस बार धमकी अलग है। इस बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो नहीं तो एटम बम है उसके पास। मैं समझता हूँ इस पर तवज्जो देने वाले विषय नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी भी उनको तवज्जो देती नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है। वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियाँ वो करते रहते हैं, लेकिन देश के मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। टीवी मीडिया में शायद स्पेस मिल जाती होगी उनको। और मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है सुनते हैं। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है, यह तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी।